तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल। मेरा नाम है मनीष कुमार। तो दोस्तों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैम आपको बताएंगी द लेबोरेटरी के बारे में कि लेबोरेटरी जो है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, उनके सारे जो आपको कंटेंट है वो मिलेगा। तो वीडियो के माध्यम से एक लेक्चर होगा जिसमें जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी DMLT कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी के बारे में। जो भी कोई लैब खोलना चाहता है या नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लैब टेक्नीशियन के लिए कोर्स ज्वाइन किया है, वो इससे इस काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी शुड बी डिज़ाइन इन सच ए वे सो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर फ्री मोमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन इट। लैब के लिए हमें इतना स्पेस होना चाहिए कि फ्रीली मूवमेंट कर सकें जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ। और ए क्रैम्प्ड लेबोरेटरी इज़ लाइकली टू लीड टू एक्सीडेंट। द रूम शुड बी एडिक्वेटली वेंटिलेटेड बट विदाउट स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ एयर। जो लैब के लिए जो हम रूम सेलेक्ट करते हैं वो वेंटिलेटेड होना चाहिए बट विदाउट स्ट्रॉन्ग एयर, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ एयर नहीं होनी चाहिए। नो लेबोरेटरी कैन रन विदाउट ए गुड सप्लाई ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें वहाँ रिक्वायर्ड होता है, तो रनिंग वाटर के लिए भी वहाँ फैसिलिटी होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेबोरेटरी के लिए हमारी वर्किंग बेंचेस कैसी होनी चाहिए। वर्किंग बेंचेस दैट आर टू बी यूज्ड फॉर सिटिंग शुड बी प्रेफरेबली बी 2.5 feet हाई एंड दोज टू बी यूज्ड व्हाइल स्टैंडिंग शुड बी एटलीस्ट 3 feet हाई। वर्किंग बेंच हमारी जो अगर हमें बैठ के काम करना है तो उसके लिए 2.5 feet ऊँची होनी चाहिए, और अगर हमें खड़े होकर काम करना है तो उसके लिए 3 feet हाई रख सकते हैं। दीज बेंचेस शुड बी वुडन एंड बी एसिड प्रूफ। ये हम जो बेंचेस अपना लैब के लिए रखते हैं वो वुडन भी हो सकती है, और आजकल पत्थर के जो बनती हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एसिड प्रूफ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एज ए रूल द प्लेस फॉर रिसीविंग और विदड्रॉइंग द स्पेसिमेन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द वर्किंग कंपार्टमेंट। हमारा जो वर्किंग कंपार्टमेंट है उससे सेपरेट होना चाहिए जो सैंपल रिसीविंग रूम है, टू अवॉइड स्पेसिमेन मिक्सिंग, ताकि सैंपल मिक्स ना हो। इच सैंपल शुड बी केयरफुली लेबल्ड। सभी सैंपल को केयरफुली लेबल करना चाहिए। लेबल शुड क्लियरली मैंसन द अलॉटेड स्पेसिमेन नंबर, द डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्पेसिमेन, द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द नेम ऑफ द पेशेंट। हमें सैंपल पर स्पेशली लेबल करना चाहिए। जो अपना लैब के लिए हम नंबर अलॉट करते हैं, और डेट और टाइम और इन्वेस्टिगेशन जो टेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पेशेंट का नेम। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय या सेफ्टी ऑफ हमारा क्लिनिकल स्टाफ। बोथ द क्लिनिकल एंड द पैरा क्लिनिकल वर्कर्स आर इक्वली एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग ट्रांसमिसिबल डिजीज थ्रू द पेशेंट और थ्रू द टेस्ट सैंपल। अपना जो क्लिनिकल स्टाफ है और पैरा क्लिनिकल स्टाफ दोनों को ही रिस्क होता है, कुछ डिजीज ट्रांसमिसिबल होती हैं, तो उससे पेशेंट से और सैंपल से दोनों से रिस्क होता है। द रिस्क ऑफ दिस कैन बी लेसन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन। इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं वैक्सीनेशन करा के, जस्ट लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, ये जो डिजीज़ होती हैं वो ट्रांसमिसिबल होती हैं बाय ब्लड या बाय एनी इन्फेक्शन, सो हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। इन एडिशन वन शुड अटेंड टू वंस जनरल हाइजीन एंड प्रिवेंट फोमाइट ट्रांसमिशन ऑफ एनी इन्फेक्शन डिजीज़। किसी भी इन्फेक्टेड डिजीज़ के मीन्स संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। डिसइन्फेक्टेंट द वर्किंग बेंचेस एंड एज फार एज पॉसिबल ऑटोक्लेव वेरियस ग्लासवेयर
यूज्ड इन द लेबोरेटरी। अपना जो वर्किंग एरिया है उसको हमें डिसइंफेक्टेंट करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए, और जो ग्लास वेयर्स हैं उनको ऑटोक्लेव करते रहना चाहिए। बिफोर लीविंग द लेबोरेटरी वन शुड थ्रोली वॉश वंस हैंड विद सोप एंड वाटर, देन रिंस देम वेल इन ए डिसइंफेक्टेंट लोशन। आफ्टर वर्किंग काम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है या लैब जब हम छोड़ते हैं तो उस टाइम हमें अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करने चाहिए, और उसके बाद हम स्प्रिट या अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं हैंड डिसइंफेक्टेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिकल लेबोरेटरी पर्सनल्स, या हमें जो लैब कंडक्ट करने के लिए क्या क्या अपना पर्सनल रूल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्लेस द वेल बींग एंड सर्विस ऑफ द सिक अबो योर ऑन इंटरेस्ट। हमें पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ पेशेंट को सर्विस देनी चाहिए, या हमें नेक्स्ट पॉइंट है बी लॉयल टू योर मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशन बाय मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव योर प्रोफेशन नॉलेज। हमें हमेशा अपने लॉयल तरीके से काम करना चाहिए और अपना हाई स्टैंडर्ड जितना हो सके अच्छे तरीके से और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। समय समय पर जो जहाँ से जितना नॉलेज मिल सके उसे हमें लेता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्क साइंटिफिकली एंड विद कंप्लीट ऑनेस्टली, ईमानदारी से और अपने तरीके से काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू नॉट मिसयूज योर प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज फॉर पर्सनल गेन। कभी भी अपने प्रोफेशन को या अपने स्किल्स को अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज नहीं करना चाहिए। नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम योर प्लेस टू वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू यू। कभी भी जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ से किसी चीज़ को नहीं ले जाना चाहिए जो अपनी चीज़ के अलावा। डू नॉट डिस्क्लोज टू ए पेशेंट और एनी अनऑथराइज पर्सन द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। अपने इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कभी भी पेशेंट को या किसी अन्य अनऑथराइज्ड पर्सन को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। ट्रीट विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंटली एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू मे लर्न अबाउट ए पेशेंट। पूरे कॉन्फिडेंस से हम पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए और कोई इंफॉर्मेशंस या पेशेंट की हिस्ट्री उसके बारे में हमें पूछ लेना चाहिए पेशेंट से। रिस्पेक्ट एंड वर्क इन हारमनी विद द अदर मेम्बर ऑफ योर हॉस्पिटल स्टाफ और हेल्थ सेंटर टीम। सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अपने हॉस्पिटल में स्टाफ है या अपना हेल्थ सेंटर है उसमें जो भी टीम है उस सभी स्टाफ की रिस्पेक्ट करनी। एट ऑल टाइम्स कर्टियस पेशेंट एंड कंसिडरेट टू द सिक एंड देयर रिलेशंस। प्रमोट हेल्थ केयर एंड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। हेल्थ केयर को प्रमोट करना चाहिए और डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए हमेशा प्रमोशन करते रहना चाहिए। फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर एंड नो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड। सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए और फर्स्ट एड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। डो नॉट ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्किंग आवर्स और वैन ऑन एमरजेंसी स्टैंड बाय। कभी भी अपने काम के समय पर अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना चाहिए और या फिर इमरजेंसी ड्यूटी में भी कभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। यूज़ इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी वेयर करेक्टली एंड विद केयर। लैब के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें हमें सेफ्टी से यूज़ करना चाहिए और उनका केयर करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट रिएजेंट्स और अदर लेबोरेटरी सप्लाइज। कभी भी लैब के रिएजेंट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए या किसी भी अदर इक्विपमेंट को अदर लैब के जो भी रिक्वायर्ड रिएजेंट्स हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। फुलफिल रिलायबल एंड कम्प्लीटली द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन बी ए पेशेंट टुमारो, ट्रीट अदर्स एज यू वुड वॉन्ट दैम टू ट्रीट यू। हमेशा याद रखना चाहिए कभी भी हम भी पेशेंट हो सकते हैं, तो हमें पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमें कोई ट्रीट करे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की जानकारी के साथ।